पेंडिंग की सीरीज में हम लोग यूनिट 3 के लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट को देखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि बेल्ट डिस्टोर्शन होता क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, तो बेल्ट डिस्टोर्शन क्या होता है, मुद्दे की बात यह है। तो एनी अनवांटेड फिजिकल चेंज और डिपार्चर फ्रॉम द स्पेसिफिक इन फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर और कंपोनेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेल्डिंग। देखो, जब भी आप बेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी जो भी आपका वर्क पीस है उसमें कोई भी फिजिकल चेंज या फिर डिपार्चर आता है तो उसको आप बोलेंगे डिस्टोर्शन। या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलें तो आप अगर बेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये दो बेल्ड वर्क पीसेस की आपने बेल्डिंग की, तो आपकी इस बेल्डिंग की वजह से जो भी फिजिकल चेंज या फिर डिपार्चर आएगा उसको हम बोलेंगे बेल्डिंग डिस्टोर्शन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, क्यों डिस्टोर्शन आता है। तो पहली वजह होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे ठंडा होता है तो क्या करता है, वो सिकुड़ता है, और जब हीट होता है तो क्या करता है, फैलता है। तो इस एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, एक मतलब डिस्टोर्शन की स्थिति जनरेट हो जाती है। तो पहली वजह तो ये होती है। दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रेस, जो मतलब किसी भी मटेरियल के जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं उनकी वजह से भी क्या होता है कि इस साइड में स्ट्रेस थी, इस साइड में नहीं थी, तो इधर स्ट्रेस रिलीज होगी हीट की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, चेंज आ जाते हैं आउटपुट में, तो उसकी वजह से भी हमारा डिस्टोर्शन दिखाई देता है। अब ये तो दोनों कारण हो गए, कौन कौन से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा इंटरनल स्ट्रेस। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके इफेक्ट क्या आते हैं। तो पहला होता है कॉम्प्लिकेट फर्दर फैब्रिकेशन, जो आपका फैब्रिकेशन है यानी आप जो बिल्डिंग कर रहे हो उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है, और भी आपको ऑपरेशन करके उसे ठीक करना होगा पहले। ठीक है, रिड्यूस एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया है उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी यूजिबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, जो भी हो, मतलब जो भी आपका वर्क पीस है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट होती है जो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पहले बाद में क्या करेगा, डिस्टोर्शन आएगा, फिर उसको आप ठीक करोगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जो टाइप ऑफ दी बिल्डिंग डिस्टोर्शन होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, एंगुलर, चलो इससे देखते हैं, इससे अच्छा आइडिया लगेगा उसके साथ। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपने बिल्डिंग की है तो इस तरह का अगर श्रिंकेज हुआ है तो ये हुआ ट्रांसवर्स श्रिंकेज। ठीक है, ये सारे क्या हैं, डिस्टोर्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारे ही। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज, मतलब आपकी अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे श्रिंकेज हो जाए बिल्डिंग की वजह से तो उसे भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज। और अगला है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन, अगर मतलब वो जो आपका वर्क पीस है वो ओवरऑल क्या करता है, कोई डिस्टोर्ट करता है, मतलब किसी अलग तरीके से मुड़ जाता है या फिर कोई अलग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, बिल्डिंग की वजह से अफेक्टेड होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन। और एंगुलर डिस्टोर्शन होता है, अगर इसे आप टी शेप वगैरह देते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी एंगल पे आपकी जो बिल्डिंग है या फिर वर्क पीस है वो मुड़ जाती है हीट की वजह से, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन बोलते हैं इसको। और रोटेशनल डिस्टोर्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे आपकी ये दो प्लेटें हैं, इधर से देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपने इधर से बेल्डिंग करते हुए मतलब अंदर की ओर गए, क्या किया इसने कि थोड़ा सा इधर रोटेट हो गया, जो थोड़ा सा इधर रोटेट, तो एंगल बना लिया ना इन्हें, तो इसे बोलते हैं हम रोटेशनल डिस्टोर्शन, थोड़ा सा रोटेट हो जाती है। या फिर अगर ऐसा ना भी हो तो एक साइड केवल रोटेट हो गई, दूसरी साइड रोटेट नहीं हुई, ठीक है, तो तब भी बोलेंगे इसे रोटेशनल डिस्टोर्शन। और एक होता है लास्ट, बकलिंग डिस्टोर्शन। बकलिंग क्या होती है, जैसे आपको कोई डंडा या फिर मान लो कि एक गन्ना है, शुगर केन,
ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे, यहाँ से ताकत लगाओगे, तो क्या होता है कि थोड़ा सा मुड़ जाता है इस तरह से। तो ये जो इफेक्ट आता है, ये इसे बोलते हैं बकलिंग। तो इसी तरह से बेंडिंग की वजह से भी अगर कोई बकलिंग इफेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं बकलिंग डिस्टोर्शन। ईजी है, तो आई थिंक समझ गए होगा कौन कौन से टाइप होते हैं बकलिंग, सॉरी डिस्टोर्शन के। अब ट्विस्टिंग डिस्टोर्शन, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्या है कि ये आपका बेल्ट पुल था, आपने यहाँ पे बेल्डिंग की, इस तरह से बेल्डिंग हो जानी चाहिए थी, मगर होता क्या है कि जो बेल्ट एरिया होता है तो वो श्रिंकेज करने की कोशिश करता है, और श्रिंक होता है तो शॉर्ट करता है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक एंगल पे घूमने की कोशिश करता है। ट्विस्ट का मतलब होता है रोटेशनल के लगभग लगभग सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे आपका ये इससे अच्छा आइडिया मिलेगा, ऐसे रेक्टेंगल था पूरा, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया अपनी रियल पोजीशन से, तो इसे बोलते हैं क्या, ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शन। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो तीन तरह के डिस्टॉर्शन है, एंगुलर, रोटेशन और ट्विस्टिंग, ये लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर बता देता हूँ मैं। जैसे ये किसी एंगल पे हमने ऑलरेडी देखी बेंडिंग बनाई है, तब किसी एंगल पे रोटेट हुआ, इसे बोलेंगे हम एंगुलर डिस्टॉर्शन। रोटेशनल डिस्टॉर्शन में क्या हुआ कि हम सीधी वेल्डिंग कर रहे थे, उसके बावजूद क्या हुआ कि जो हमारे क्या कहते हैं वेल्डिंग की जो रॉड चल रही थी उसके इधर और उधर दोनों तरफ क्या हुआ, थोड़ा सा उसके एक्सेस, इसको एक्सेस मान लिया, इसके हिसाब से दोनों तरफ की रोटेट हो गई। और इसमें क्या होता है ट्विस्टिंग वाले में कि जो पूरी की पूरी जो प्लेट है वही थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाती है, ठीक है। चलो टाइप एक्सिंग लिखी दो, और अब इसके जो प्रिवेंशन है उनको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको प्रिवेंट करेंगे। तो पहला है मिनिमाइज श्रिंकेज बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड मेटल एंड हाईएस्ट कंफर्टेबल स्पीड। मतलब देखो, जितना भी आप वेल्ड मेटल डालोगे उन दोनों के बीच में, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा, तो मतलब जितनी की ज़रूरत है केवल उतना ही डालो, एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितना कम हो सके उतना बेल्ट मेटल डालो, तो कम श्रिंकेज होगा और जो डिस्टोर्शन या फिर बकलिंग ट्विस्टिंग की जो संभावना है कम से कम रहेगी, ठीक है। और जो हाईएस्ट कंफर्टेबल स्पीड है उसको मेंटेन करके रखो, और कीप द लेंथ ऑफ द बेल्टेड नंबर एज शॉर्ट एज प्रैक्टिकल। मतलब जो भी आपके बेल्टेड मेंबर है उसकी लेंथ को कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। आपने मान लिया कि 5 mm में हम बेल्डिंग किए दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कंट्रोल ऑफ डिस्टोर्शन इन बेल्ड मेटल, अब बात करते हैं जो हमारे डिस्टोर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए बेल्ड मेटल का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर मतलब बेल्ड मेटल के थ्रू हम किस तरह से डिस्टोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली बात आती है लीस्ट रूट गैप। अब रूट गैप क्या होता है, देखिए जो आपके दो वर्क पीस हैं ये रूट हैं उनके, तो उनके जो मेन रूट हैं उसमें बता देता हूँ, तो जो मेन रूट हैं ये वाले, ठीक है, इनके बीच का जो गैप आता है ये, इसको हम बोलते हैं रूट गैप। और ये जो एंगल होता है जो यहाँ से बना, ये एंगल हो गया बेवल एंगल, ठीक है। लेकिन जो एंगल यहाँ पे बनता है ये ओवरऑल, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो इस लीस्ट रूट गैप को मेंटेन करने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे जो इंक्लूडेड एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं किसी भी हालत में। और जो हैवी सेक्शन होते हैं बड़े बड़े, तो उनके लिए क्या करते हैं, डबल बी पेनिट्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। और एक्सेसिव गैप शुड बी अवॉइडेड, बता ही चुका हूँ कि जो ये रूट गैप है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना इस्तेमाल होगा उतना अच्छा है, लेकिन इतना भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इनको टच ही करा दें ताकि पेनिट्रेशन ही अच्छा ना हो पाए, तो इसलिए मतलब पेनिट्रेशन हो जाए बस इतना ही गैप मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम डिस्टोर्शन से बच सकते हैं। और क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डायरेक्शन है उससे भी हम डिस्टोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से मान लो ये दो वर्क पीस हैं, इधर जो लेंथ है उनकी वो कम है, इधर ज़्यादा है, तो हम बिल्डिंग की डायरेक्शन जो रखेंगे वो
मिनिमम से मैक्सिमम जो पॉइंट है, मैक्सिमम फ्रीडम का पॉइंट है, उसको हम अचीव करेंगे, ठीक है। तो इस साइड चलेंगे जिधर मैक्सिमम फ्रीडम होगी। और तीसरा है बेल्ड मेटल डिपोजिशन, नो एक्सेसिव मेटल शुड बी डिपोजिट, मतलब कहीं पे भी बेफालतू का बेल्ट मेटल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो समस्याएं पैदा करेगा। और ब्लॉक सीक्वेंस एंड कैस्केड सीक्वेंस, ये कुछ सीक्वेंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टोर्स, अगर जहाँ पे डिस्टोर्सन की ज़्यादा संभावना है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। पहला है ब्लॉक सीक्वेंस, ये कुछ इस तरह से होता है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग की इस साइड में, इस साइड में, तो इस तरह से। और जो कैस्केड है वो इस तरह से होता है, मतलब पहले छोटी लेयर बनाती है उसके ऊपर, इस तरह से धीरे धीरे चढ़ाते हुए ऊपर तक लेके जाते हैं। और सेम ब्लॉक सीक्वेंस भी है, मतलब इतना छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में करना है तो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, हालांकि मतलब नहीं बनता इनका, आपके लिए इतना काफ़ी है कि ब्लॉक सीक्वेंस और कैस्केड सीक्वेंस से हम जो डिस्टोर्शन है उसका कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए वो तो था थिक प्लेटों में, ठीक है, आप उसमें लेयर बाई लेयर बना सकते हो। फिर अगर थिन प्लेट है, मतलब पतली सी प्लेट है, मतलब एक ही लेयर में आपकी बेल्टिंग हो ही जाएगी, तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर की क्लैंप लगा देते हैं। देखो कॉपर की क्यों लगाते हैं, पता ही होगा कि कॉपर की कंडक्टिविटी होती है काफ़ी हाई होती है, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपने बेल्टिंग की, यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगी इधर इधर वो इसमें कॉपर में जाएगी, वो कंडक्टिव होके यहाँ पे आए तो सीधे इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगी, बाकी यहाँ पे रिलीज कर देगी। ये क्या है, हमारा कूलिंग फैन है, मतलब जो भी लगा है इससे ये क्या है, ये कॉपर की क्लैंप है, ये ठंडी होती रहेंगी, तो ईजिली मतलब आप जो हीट है उसको ईजिली आउट कर दे रहे हो, तो समस्याएं पैदा नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम डिस्टॉर्शन कंट्रोल करते हैं थिन प्लेटों में, मतलब पतली प्लेटों में। और बस इतना ही है। अब बात करते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि ना हो डिस्टॉर्शन किसी भी हाल में, मगर फिर भी डिस्टॉर्शन आ जाता है बिल्डिंग में, तो किस तरह से इसको ठीक करेंगे। तो नॉर्मली दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है थर्मल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे, जैसे जो है प्रेस कर दिया उस वेल्डेड एरिया को, जैसे बकलिंग इफेक्ट आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या करा, इस तरह से हुई, तो उसमें क्या किया, एक प्रेस करके ऐसा करके तो जी वापस इस टाइप से हो गई, तो प्रेस कर दिया, चेक स्क्रू का यूज़ करके, स्ट्रेंथिंग रोल्स का यूज़ करके, स्लेजेस का यूज़ करके, स्लेजेस होता है मतलब वो यूजली तो एक सरकने वाली गाड़ी होती है बर्फ़ पर, लेकिन ये वो भी होती है स्लेजेस जो हथौड़ा होता है लोहार का उसे भी बोलते हैं। तो स्पेशल फिक्सर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वो जो भी हमारे डिस्टोर्टेड एरिया है उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये तो हो गया मैकेनिकल मेथड। दूसरा होता है थर्मल मेथड, इसमें हम ऑक्सीजन टॉर्च का, आर्क मतलब कार्बन आर्क का, पावरफुल वायल और गैस बर्नर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हीट की हीट से उनको ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारी डिस्टॉर्शन होता है उसको करेक्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको, अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक्स।